सभी को जय श्रीम। अन्यू ब्लॉग से फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अर्जुन सिंह चौहान पे। इस वीडियो में मैं आपको रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वही दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों रुद्रप्रयाग जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर व एक पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ पे अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ यहाँ से 86 किलोमीटर है और बद्रीनाथ यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी है। उजला वाला जो पानी है ये अलकनंदा है और ये जो ब्लू पानी जो आके मिलता है ये मंदाकिनी नदी। पीछे जो आप देख रहे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम हो रहा है रुद्रप्रयाग वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। काफी ज्यादा जबरदस्त व्यू आप देख रहे हैं ऊपर से। यहीं से अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग जो हरिद्वार से 200 किलोमीटर आगे है, मैं पीछे देख रहे काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। यही है अलकनंदा मंदाकिनी का व्यू। दोस्तों जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से गाड़ी पकड़कर श्री केदारनाथ जाइएगा तो रुद्रप्रयाग होते ही जाइएगा और रुद्रप्रयाग से ही दोस्तों 86 किलोमीटर पड़ता है श्री केदारनाथ और यहीं से 150 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों श्री बद्री नारायण। दोस्तों पहले केदारनाथ का दर्शन करने के बाद उसके बाद ही बद्री नारायण जाता है। दोस्तों सामने ये आप देख रहे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से दोस्तों पीछे काफी ज्यादा एनएच पे मैं खड़ा होकर वहाँ से लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। ये रुद्रप्रयाग में जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे काफी ज्यादा गाड़ी का लंबा लाइन लग चुका है और वहीं से मैं आपको ये मेरे पीछे देख लीजिए कितना मस्त शहर है अलकनंदा और महानदी का रुद्रप्रयाग में जहाँ पे संगम होता है वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जबरदस्त नजारा शहर का एकदम और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे शहर कितना ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटीफुल आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इतना भव्य नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है ये आप देख रहे हैं। जब आप रुद्रप्रयाग जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं आपको दोनों एंगल से दिखा रहा हूँ। ये मैं भी मैं दूसरा साइड खड़ा हूँ। अब मैं सामने जो घर उर देख रहा हूँ वो साइड से मैं दिखा रहा हूँ। मैं केदारनाथ का दर्शन करके जब बद्रीनाथ जा रहा था उस समय का और ये शाम का 3 से 4 बज रहा था उस समय का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही भव्य नज़ारा जहाँ पर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का जो संगम। तो सामने जो देख रहे हैं ये अलकनंदा उजला उजला और ब्लू जो आप देख रहे हैं मंदाकिनी में, दूसरा साइड से आपको ये रुद्रप्रयाग में आके आपको ये दिखा रहा हूँ। दोनों नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का ये आप देख रहे हैं और देख रहे हैं सामने मंदिर है। बहुत ही भव्य नज़ारा रुद्रप्रयाग। जब आप बद्रीनाथ जाइएगा उस रास्ता में ये पड़ता है और केदारनाथ से जब दर्शन करके बद्रीनाथ तरफ जाइएगा उस तरफ मोड़ पर यह रुद्रप्रयाग में दूसरा साइड से आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो जो मैं आपको दिखाया था वहां पे खड़ा होकर जब मेरी बस आ रही थी केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए तो वहां से खड़ा होकर मैं आपको दिखाया था वीडियो और इसी के जस्ट नीचे देखिए ये आपको अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम हो रहा है वो देखिए और मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था और ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है और जब आप बद्रीनाथ की तरफ जाइएगा तो यही ये संगम है रुद्रप्रयाग और संगम। बहुत ही भव्य नजारा आप देख रहे हैं सामने, आरती घंटी उंटी बज रहा है, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, ये जो उजला उजला इधर से जो आ रही है वो अलकनंदा है और ब्लू साइड जो है मंदाकिनी नदी है। मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा था जब मैं केदारनाथ से आ रहा था तो ऊपर में खड़ा होकर दूसरा साइड से मैं दूसरा साइड आके आपको दिखा रहा है। अभी आरती उरती चल रहा है मंदिर में, ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ आइएगा तब आप देख रहे हैं ये भव्य नजारा और ये देखिए यहीं से आ रही है अलकनंदा नदी और दूसरा साइड से मंदाकिनी नदी। दोस्तों सामने मंदिर आप देख रहे हैं और ये सामने संगम। बहुत ही भव्य नज़ारा देखिए दोनों किस प्रकार जब मिल रहे हैं तो कैसा नज़ारा है। और ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं वो मंदाकिनी माँ है नदी है और ये अलकनंदा नदी उजला वाला जो आ रहे हैं किस प्रकार। बहुत ही भव्य नज़ारा इधर से अलकनंदा नदी और उधर से मंदाकिनी नदी आ रही है। भव्य नजारा आप देख रही है। तो वहीं से मैं आपको खड़ा होकर दिखाया था सामने देखिए, वहीं से जब मैं केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ आ रहा था तो रुद्रप्रयाग इसी रूप में पड़ता है। वहीं से मैं आपको खड़ा होकर दिखा रहा था सामने जो आप देख रहे हैं और ये देख रहे दोनों नदी का जहाँ पे संगम हो रहा है ये देखे। बहुत ही जबरदस्त नजारा आपको दिखाई दे रहा है सामने मंदिर पूजा पाठ। मैं अभी दूसरा साइड में आया हुआ हूँ और मैं अभी बद्रीनाथ जा रहा हूँ, वो आपको व्यू देखिए किस प्रकार जबरदस्त माँ दोनों गंग नजारा रुद्रप्रयाग से लाइव देखिए। सामने मंदिर और दोनों का यहाँ पे संगम किस प्रकार हो रहा है। बहुत ही भव्य नजारा, बहुत ही भव्य नजारा। दोस्तों आपको मंदाकिनी और गंगा का जो संगम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
बहुत ही जबरदस्त नजारा। दोस्तों सामने जो आप देखे उजला वाला जो है वो अलकनंदा है, और ब्लू वाला जो है मंदाकिनी नदी है। मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे एक सरगा कॉटेज से, मैं दूसरा साइड से दिखा रहा था, जब मैं आ रहा था तो वो साइड से मैं आपको दिखाया था। अभी यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है काफी ज्यादा। एक बार बोलो भगवान की जय। रेड से कर दो। बच्चा का नाम कृष्णा है, जो मेरा फोटो वोटो सब कुछ लिया है। मैं अभी रुद्रप्रयाग संगम है, इसी घर से मैं दूसरे साइड से आपको दिखा रहे हैं। इनके पेरेंट्स और इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और पीछे देख रहे संगम में घर बसा हुआ है अलकनंदा मंदाकिनी में। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं बद्रीनाथ के लिए निकल रहा हूँ। एक बार बोलो बद्रीनाथ बाबा की जय। दोस्तों ये देख रहे किस प्रकार संगम हो रहा है दो नदियों का, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, किस प्रकार संगम हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों पीछे मंदाकिनी नदी देख रही है, और चाचा पापा मम्मी सब लोग खड़े हैं। दोस्तों ये मेरे साथ अंकल है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो शाम ढल गया, शाम में आरती होगा। और वहीं मैं दोस्तों मैं माँ काली कमली धर्मशाला है। अगर आप रुद्रप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो 500 से 600 रुपया लगता है, यहीं पे आप रुक जाइए। ये बस स्टैंड ऑटो स्टैंड से 10 मिनट पहले है। SP जो थाना ऑफिस है उसके जस्ट पीछे माँ काली कमली मंदिर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको माँ काली धर्मशाला। अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग में रुक जाइए। पीछे आप देख रहे शाम का आरती अभी दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। देख रहे शाम का दृश्य कैसे, ऊपर जो रास्ता देख रहे ये रास्ता दोस्तों श्री केदारनाथ चला जाता है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से केदारनाथ 86 किलोमीटर और यहाँ से श्री बद्री नारायण जो है 150 किलोमीटर है। अगर आप बद्री नारायण चाहते हैं जाना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों एक रात आप रुक सकते हैं। माँ काली कमली है तो थाना के पास ही आप रुक जाइए। शाम का नज़ारा देखिए, अभी आरती होने वाला है तो उसका भी आवाज़ आएगा। मैं काली कमली धर्मशाला में रुका हुआ हूँ और मेरे साथ माता जी, चाची और मेरे अंकल हैं। अभी हम पीछे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ जो किस प्रकार रात में जो रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा नदी और महानदी का, वो मैं एक बार बोलो सभी को जय माँ अलकनंदा, जय माँ महानदी। वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके मिलते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री केदारनाथ, जय श्री